बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर टॉपिक इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनी थिंग एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मैटर। हर चीज़ मैटर से बनी है इस दुनिया में, और इसके जो स्टेट्स हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। ठीक है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। वीडियो का एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जा सके। इस टॉपिक के हवाले से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजी। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे एक लिक्विड में बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कितनी चेंजेस आती हैं उसके फेज में, कैसी कैसी चेंजेस आती हैं। सबसे पहले मैं एक लिक्विड ही ले रही हूँ, वाटर को। मैं वाटर का अपना रेफरेंस पॉइंट अक्सर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है रेफरेंस पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें ईजिली पता होता है। ठीक है, हर जनरली हमें पता होता है हर बंदे को। ठीक है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होता है हर कहीं। अगर मैं किसी और लिक्विड की मिसाल लूँ तो हो सकता है ऑफ दैट कि कहीं ना मिले वो लिक्विड, कहीं मिले, लेकिन वाटर तो 90% अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लैब्स में, स्कूल्स में, तो ये हम भी बचपन में करते थे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या एक्सपेरिमेंट है? आप एक क्यूब ले लें, ठीक है, आइस क्यूब ले लें। आइस क्यूब को अगर आप फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो पानी सा बन रहा होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गया, इस स्टेट को कहते हैं मेल्टिंग। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आपकी क्लियर होती है कि मेल्टिंग क्या है। जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में जाता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और कभी कभी आइसक्रीम मेल्ट हो रही होती है तो हम कहते हैं ना ये मेल्ट हो रही है, इसका मतलब होता है कि अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में जा रही है। इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं तो आपकी एक डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ओके, अब देखते हैं जब लिक्विड पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप आउटसाइड कहीं पर भी रख दें, ठीक है, जार में, बहुत बड़े कंटेनर में डाल के रख दें, तो हम महसूस करेंगे कि अगर एक दो दिन बाद आप देखें तो उसका वॉल्यूम कम हुआ होगा। उसका वॉल्यूम कम होगा किसकी वजह से? एवेपोरेशन की वजह से। एवेपोरेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर तो कम होता है, ठीक है, बॉइलिंग वाला टेम्परेचर नहीं होता। बॉइलिंग के लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए, एवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं चाहिए। वो किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो सकता है। जैसे आप कपड़े स्ट्रेन कर जब लटका देते हैं धूप में या हवा में, तो आपको पता है कि वो सारा जो है मॉइस्ट जो है निकल जाता है उसमें से। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसी लिक्विड को एक कंटेनर में डालें और उसको फ्लेम पर रख दें तो आप देखेंगे कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसको बॉइलिंग में ही रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो है एक धुआं सा, या इसको आप क्या कह सकते हैं, गैशियस स्टेट निकलेगी। ये तो केमिकली है लेकिन एक धुआं सा निकलेगा, ठीक है, बहुत सा आपको वो नज़र आ रहा होगा अगर कॉन्टीन्यूसली आप करें और अगर आप लाइट से देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये इसके गैस है और इसकी स्टेट लिक्विड टू गैस जा रही है। ठीक है, और बॉइलिंग क्या है कि जब उसका आउटसाइड का टेम्परेचर उसके इक्वल हो रहा है इसके इंटरनल प्रेशर के। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बॉइलिंग। यहाँ से आपको एक और स्टेट में चेंज होने का पता चल गया। जब यही जो जार है अगर आप इसके ऊपर कोई कैप रख दें, कोई ढक्कन रख दें, तो आप महसूस करेंगे कि उस ढक्कन के ऊपर बहुत सारा पानी के ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। तो वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? वो ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे, वो नीचे की तरफ गिर रहे होंगे। ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, किसकी वजह से होंगे? कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंस हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो अक्सर कॉन्डेंसेशन होती है सर्दियों में, आप देखते हैं अपनी विंडोज़ में वाटर आप देख रहे होते हैं, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, एक और आपने प्रोसेस देख लिया। इसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी जो सॉलिड है
ये लार्ज स्केल पे, ये वाला जो प्रोसेस है ये लार्ज स्केल पे, ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। तो ये है सब्लिमेशन। जो ड्राई आइस बनाई जाती है उसको क्या करते हैं कि आइस को लेते हैं और उसको सब्लाइम कर देते हैं, और इजीली बारिश के लिए ये यूज़ होता है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट, और गैशियस स्टेट रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, तो ये सीधा सॉलिड स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट कैसे कन्वर्टिबल हैं, इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसेस हमने देखे उसमें हमने देखा मेल्टिंग, कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड वेपोरेशन। अच्छा, फ्रीजिंग कैसे होती है? आप लिक्विड कोई भी कंटेनर में डाल के फ्रीजर में रख देंगे, फ्रिज में रख दें, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो ठंडा हो रहा होगा, लेकिन जब आप फ्रीजर में रखेंगे तो वो सॉलिड स्टेट अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। अच्छा, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ना, ये लिक्विड्स में वरी करते हैं विद लिक्विड टू लिक्विड, ठीक है। वाटर के लिए डिफरेंट होगा, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हर लिक्विड के लिए नहीं है, ये सिर्फ वाटर के लिए है, ठीक है। वाटर का जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो एवेपोरेशन होगी वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर उसमें हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। वो खुद प्रोसेस हो रहा है कि वो जो उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद निकलना चाहते हैं तो वो निकल जा रहे हैं, ये जैसे सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में सारे मॉलिक्यूल्स हिसाब डालते हैं काम का, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स सिर्फ नहीं करते, सारे जैसे हम कहते हैं सारे घर वाले मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद एवेपोरेशन भी हमने देख ली, कंडेंसेशन में भी सारे मॉलिक्यूल्स जो गैसीय स्टेट में होते हैं वो उसमें जाते हैं। और एक और बात, सॉलिड स्टेट में जो है मॉलिक्यूल्स टाइटली बाइंड होते हैं, उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो लिक्विड में है उसकी लैटिस एनर्जी सॉलिड से कम होती है। इसी तरह लिक्विड से जब गैसियस में जाएं तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनकी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत कम होती हैं। इसी वजह से कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। और सॉलिड से चेंज होना, मेल्ट होना, ठीक है, फ्री इसको लिक्विड में जाना, ये देर से होता है, ठीक है। देर से क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। अब लिक्विड से वरी टू वरी करती है इसमें, अब सॉलिड्स में देख लें कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जो लिक्विड में नहीं जा सकते। आपने कभी किया है कि वुड को अगर आप गर्म करें तो वो लिक्विड में चली जाएगी? नो, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो फेस अपना चेंज करते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं अपना फेस चेंज नहीं करते, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो सॉलिड्स में नहीं जाते, ठीक है। जैसे आप देखें गैशियस स्टेट, कुछ ऐसे होते हैं जो गैशियस स्टेट में नहीं जाते, ठीक है। कुछ वॉलेटाइल होते हैं, जैसे लिक्विड्स गैशियस में चले जाते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। एक और स्टेट हमें पता चल गई वॉलेटाइल, कि इजीली वो मूव कर जाते हैं लिक्विड टू गैशियस स्टेट। वो जैसे हम एग्जांपल ले लें पेट्रोल, एथानॉल, मीथेन गैस। मीथेन जो है लिक्विड भी होती है और वो जो है गैशियस स्टेट में भी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जो कंडेंसेबल नहीं होती, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं जाते, ठीक है, और गैशियस स्टेट में नहीं जाते। तो ये इनके प्रॉपर्टीज वरी करती हैं, लेकिन ये सारी के सारे स्टेट्स तकरीबन वाटर में एग्री करती हैं, इस वजह से मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी। होप यू गेट इट, आपको अच्छा समझ आया होगा आज का टॉपिक। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और जो है मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।